फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। पर मैं काना गार्डन में नहीं हूँ, मैं हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह मन्नार में, जो कि केरला में है। और वहाँ पर हम जहाँ रुके हुए हैं, जिस होटल में, वो वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उनमें से कुछ आपको भी मैं दिखाने वाली हूँ। तो अभी तो मैं एक प्लांट दिखा रही हूँ जो कि हम सभी लगा के रखते हैं, बट इतना ब्यूटीफुल वो नहीं दिखता है। तो आप मेरे ठीक सामने वो प्लांट देख रहे होंगे, वो है पीस लिली का प्लांट। और इन्होंने ढेर सारे पीस लिली लगा रखे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तो लग ही रहे हैं। फ्लावर्स भी काफ़ी बिग साइज़ के आए हुए हैं और विदाउट मच केयर यहाँ पर ये आराम से लगे हुए हैं। शायद यहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं, ये इनके लिए बहुत सूटेबल हैं और यहाँ पर इनको कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो होटल वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर आराम से लगे रहते हैं। तो जैसे केरला का मौसम होता है, लगातार बारिशें होती रहती हैं और ह्यूमिडिटी भी बनी हुई रहती है और ज़्यादा धूप में बहुत तीखापन नहीं है, तो सारी कंडीशंस ही शायद इस प्लांट को चाहिए होती हैं, पीस लिली को। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से ढेर सारे पीस लिली लगे हुए हैं और भी ढेर सारे प्लांट हैं। मैं आसपास से आपको दिखा रही हूँ। ये मैक्सिकन हीथर की हैज बना रखी है इन्होंने पूरी, मैक्सिकन ही था जो कि हमने अपने काना गार्डन में भी ढेर सारे लगा रखे हैं और हमें उसमें काफ़ी केयर करनी पड़ती है और बहुत पानी डालना पड़ता है अपने टेरेस गार्डन में मैक्सिकन हीथर के लिए भी, बट यहाँ पर ये बहुत आराम से चल रहे हैं। ये एक लैंटाना भी लगा हुआ है और बहुत सारे फ्रेंड्स लैंटाना भी लगा कर रखते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि लेंटाना भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर उगा हुआ है। और भी बहुत सारा यहाँ पर वेजिटेशन है जो कि सारा ही बहुत सुंदर है। ये शायद एमरस लिली है और ये भी यहाँ पे लगा हुआ है पीस लिली के साथ ही। तो खैर, पीस लिली अभी आज आपको मैं दिखा रही हूँ और भी बहुत सारे मैं यहाँ प्लांट है देख रही हूँ जो कि आपको दिखाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, केरल से आज हम आपको कुछ प्लांट्स दिखा रहे थे, तो पीस लिली के प्लांट्स थे और भी कुछ प्लांट हमने दिखाए। तो आज हम वहाँ होटल में ही हैं, तो आज वहाँ से ही आपको हम विदा ले रहे हैं और आगे भी आपको कुछ प्लांट्स और दिखाएंगे और केरल विज़िट के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।